नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में 10वीं क्लास का फिजिक्स का एक ऐसा क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में प्रॉपर तरीके से पूरी 10 अंक आपको देकर जाएगा। आप लोग सोच में पड़े होंगे कि सर एक क्वेश्चन 10 नंबर का आता नहीं है, लेकिन आप बता रहे हैं कि कैसे 10 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। तो पहले वीडियो को देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर का कैसे आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके कितने नियम होते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 5 नंबर का पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके कितने नियम होते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा तो इसका नंबर आपको पूरे 5 नंबर मिलेगा। कितना नंबर? 5 नंबर मिलेगा क्या? लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन ये 5 नंबर का नहीं पूछता है, 2 नंबर का पूछता है। तो 2 नंबर का जब पूछेगा तो केवल पूछेगा प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो केवल प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा लिख देना। तो अगर ये 5 नंबर का नहीं पूछा तो 2 नंबर में पूछा, तो चलो ये 2 नंबर तो मिलेगा, तो यहाँ से आपको 2 नंबर भी मिल जाएगा। तो कभी कभी दोस्तों ये प्रकाश का अपवर्तन नहीं पूछता है, पूछता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, नियमों को लिखे। कभी कभी ये पूछ देता है तो ये भी आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। तो ये इसमें 2 ऐड कर दीजिए, तो 2 और 5 और 2 7 2 9। और दोस्तों स्नेल का नियम पूछा जाता है, जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम को ही स्नेल का नियम कहा जाता है, वो भी पूछा जाता है, तो वो भी आपका 2 नंबर का। तो लगभग 11 नंबर का, मैंने 10 ही नंबर बताया, तो 11 नंबर का ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न से कौन प्रश्न पूछेगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना यकीन के साथ आपको जरूर बताऊंगा कि इस प्रश्नों को लिखकर आपको याद करना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे। तो देखो आप लोगों को लिखने का बहुत तरीका है, कई लोग अलग अलग तरीके इस्तेमाल करके लिखते हैं, बहुत लोग लिखते हैं प्रश्न संख्या इतना का उत्तर, बहुत लोग लिखते हैं प्रश्न उत्तर। तो हमारे दृष्टि से प्रश्न उत्तर बहुत अच्छा है, आप लोग लिख लेना प्रश्न उत्तर जो भी क्वेश्चन लिखना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर रेड से लिखा हूँ ताकि हाईलाइट दिखे आप लोगों को और अच्छे से साफ साफ दिखे। आप लोग यहाँ पर रेड कलर से नहीं बल्कि ब्लैक से लिखना, क्योंकि 10th और 12th का जो बोर्ड एग्जाम होता है ना, चाहे कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में हम 2 पेन का यूज कर सकते हैं, ब्लू और ब्लैक पेन से। और ब्लैक पेन का यूज करते हैं हेडिंग देने के लिए, जैसे यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन मैंने रेड पेन से हेडिंग दिया है, आप लोग ब्लैक पेन से हेडिंग देना और ब्लू पेन से ये सब लिखना जैसे कि मैं लिखा हूं। तो प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा आप लोग यही लिखना, कॉपी में सब लोग नोट कर लेना इसे, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनके दिशा में परिवर्तन होता है और इसी परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको आप लोग कॉपी में जरूर लिख लेना, क्योंकि इससे ईजी आपको परिभाषा और कोई नहीं बताएगा, ना ही किताब में भी दिया रहेगा, मतलब कि इससे ईजी परिभाषा, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे ना तो आपको 2 नंबर मिलेगा, इसका 2 नंबर मिलेगा, ओके। अब इसका नियम लिखना है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ये ब्लैक पेन से हेडिंग देना, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम ब्लैक पेन से हेडिंग देना, भले ही मैं रेड पेन से दिया हूँ वो अलग बात है, बट आप लोग ब्लैक पेन से हेडिंग देना, ठीक है ना। तो पहला नियम क्या है, पहला नियम है आपतित किरण अपवर्तित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक ही तल में होता है, ये हमारा पहला नियम हो गया, ये पहला नियम हो गया। तो एग्जामिनर जब देखेगा, देखो आप लोग उतना राइटिंग में मत जाइएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ऐसे ये जो हमें लिखे हैं ये हम ही लिखे हैं, क्या आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा, आप पढ़ नहीं सकते हैं ये, जो मतलब जिसको पढ़ने नहीं आता होगा ना उसको भी दीजिएगा ना तो ये पढ़ लेगा, ये जब प्रकाश की किरण ऐसा लिखा है वो पढ़ लेगा। बस एग्जामिनर को पढ़ना आना चाहिए, आपका राइटिंग उसको समझ में आना चाहिए कि क्या लिखे हो, वो आपका फुल नंबर देगा, नंबर नहीं काटेगा। अभी मैं पुराना अपना राइटिंग दिखाऊंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको पुराना मेरा राइटिंग, ठीक है ना। तो ये पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम लिखिएगा, दूसरा नियम पर देखो, दूसरा नियम आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। दूसरा नियम है प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया साइन आई, ठीक है ना, आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। अर्थात यहाँ पर देखिए मैं लिखा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, म्यू या फिर न्यू भी कह सकते हो। तो म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, जहाँ म्यू एक नियतांक है, बस इतना लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद से ये नीचे आप एक फिगर बना देना, जैसे कि प्रकाश के परिवर्तन में बनाते हो वैसे ही प्रकाश के अपवर्तन में भी फिगर बना देना। ये हमारा जो एन है ना, ये हमारा क्या है, तो लंब है, इधर से आपतित किरण आ रही है, थोड़ा सा मतलब कि इधर मुड़ गई
है, ये थोड़ा सा देखो झुकी हुई दिख रही है ना थोड़ा सा, तो ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, और ये आपका है ना आपतन कोण है, ये परिवर्तन कोण है, ये वायु है यानी कि हवा है, और ये आपका कांच है, मतलब कि ये हमारा ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है, ये दो मीडियम है, दो माध्यम है, फर्स्ट पहला माध्यम, दूसरा माध्यम। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें आती है ना तो अभिलंब की ओर देखो मुड़ जाती है, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जब इधर से किरण आई है ना तो थोड़ा इधर से इस मतलब कि ये अभिलंब है ना इधर की ओर झुकी हुई है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि इधर से आई है तो एकदम ऐसा ही सीधा चला गया है, सीधा चला गया, सीधा नहीं गया है, इधर से थोड़ा सा मुड़ कर आया है, मुड़ा है थोड़ा लंब की ओर, ठीक है ना। तो आप लोग फिगर बना ले रहे हैं ऑलरेडी, ये कार्टपुट कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्नेल का नियम, पता है ये जो आपका दूसरा नियम है ना यही स्नेल का नियम है, लेकिन स्नेल के नियम का दो तरीके से हम परिभाषा लिखते हैं, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए मैं दो तरीके से परिभाषा लिखा हूँ, ये स्नेल का नियम आपके एग्जाम में 6 बार पूछा जा चुका है अब तक का, ठीक है ना। तो ऐसे ही पूछेगा स्नेल का नियम क्या है, तो आप प्रश्न उत्तर डालना, नीचे लिखना, आप दो तरीके से लिख सकते हो, दोनों तरीका मस्त है, टाइम के अनुसार लिखना है। अगर आपके पास टाइम कम है, पेपर मतलब कि छीना जा रहा है आपका, कॉपी छीना जा रहा है, तो आप फटाफट ये वाला लिख देना जो शॉर्ट ट्रिक में है, ये आपका परिभाषा है, प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल का नियम कहलाता है। अगर आप शॉर्ट ट्रिक में ये भी लिखते हैं, आपके पास समय नहीं है, तब भी आपका 2 नंबर मिलेगा। अगर आप ये लिखते हैं कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जिया तथा साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जिया साइन आर का अनुपात के दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है, अर्थात म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, जहाँ म्यू एक नियतांक है, ये भी लिख दीजिएगा, तब भी आपको 2 नंबर मिलेगा, कोई आपका नंबर नहीं काटेगा, यहाँ तक आपको बता दे। और आप लोग कह रहे थे ना सर जी आपका पुराना वाला राइटिंग कैसा है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, आप कभी विश्वास ही नहीं करोगे कि मेरा ये सब मतलब कि पुराना वाला राइटिंग, ये देख लो मतलब कि ऐसा ही मेरा पुराना वाला राइटिंग है, मैं भी पहले मतलब कि नोट्स बनाया करता था अच्छे से, ये मेरा पुराना राइटिंग है, लेकिन इतना मतलब कि ख़राब भी नहीं है कि सामने वाला नहीं पढ़ पाएगा, देख लो आप लोग भी पढ़ सकते हो। नारायण पंडित द्वारा लिखित व्याकरणपटी पाठ से संकलित है, इस कथा का मुख्य उद्देश्य यह है कि हिंसक जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं, मतलब कि ये मतलब कि पढ़ा जा सकता है, इसलिए इसका नंबर आपको पूरा फुल मिलेगा, तो चिंता मत करना, बस इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लेना, वीडियो को रुका रुका कर सबको अच्छे से आपको लिख लेना है, ठीक है ना, सबको ही अच्छे से लिख लेना आप लोग, ठीक है।